नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आपका भाग्य मंथन में। आज हम बात करेंगे 2017 में शनि गोचर से वृषभ राशि पर पड़ने वाले प्रभाव की। शनि महाराज 2017 में 26 जनवरी तक आपकी जन्म राशि से सप्तम भाव में रहेंगे और उसके पश्चात अष्टम भाव में गोचर करेंगे। इस वर्ष 21 जून को शनि एक बार फिर वक्री होने के कारण वापस वृश्चिक राशि में जाएंगे, जो कि आपकी जन्म कुंडली का सप्तम भाव है। इसके पश्चात 26 अक्टूबर को शनि वापस वक्री होकर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जनवरी के महीने में 25 तारीख तक शनि वैवाहिक लोगों के लिए परेशानी बढ़ाएंगे। यह समय काफी परेशानी देने वाला होगा। 26 जनवरी से शनि धनु राशि में आ जाएंगे, जो कि आपकी जन्म कुंडली का अष्टम भाव है। इस भाव में आने से परेशानियों में वृद्धि होगी। शनि का प्रभाव इस समय आपके स्वास्थ्य को काफी प्रभावित करेगा। इस समय आपके आत्मविश्वास में भी कमी आएगी। अष्टम भावस्थ शनि तीसरी दृष्टि से कार्यस्थान, सप्तम दृष्टि से धन और कुटुंब स्थान और दशम दृष्टि से संतान और बुद्धि स्थान पर भी अपना प्रभाव बनाएंगे। इस समय कोई बड़ा निवेश करने से बचें और उधार लेने से भी बचें। ऐसा कोई भी कार्य शुरू ना करें जिसके लिए आपको दूसरे पर निर्भर रहना पड़े। उपाय: 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें और रोज ओम पार्वती पतये नमः मंत्र का जाप 108 बार किया करें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे ज्ञान यात्रा में। आपका जीवन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।